अल्लाम वरहमल वजाकल्ला खैरन यू ऑल साउंड वेरी एनर्जेटिकोर मोटिवेटेड जिस तरह से पिछले दो एपिसोड में हमने मोटिवेशन का तस्करा किया आई कैन नोटिस समर्जी ऑन योर फेस अब हम बात करेंगे खूबसूरती की आज का हमारा टॉपिक रहेगा खास करके तुम्हारे लिए है ये कॉन्सेप्ट ऑफ़ गुड लुक्स एंड स्मार्टनेस अलहमदिल्ला वसला तो अला अल रसूल आऊज मिन शैतानजीम क़ाल क़ुरानबीद कुरान में अल्लाह ताला ने एक बड़ी प्यारी बात कही है। लक़त खलकनसान फ़ियासी तकवीम हमने इंसान को बेहतरीन शक्ल में बनाया है खलक किया है क्रिएटेड मैन काइंड इन अवटिफुल लुक शेप साइज कलर यानी अल्लाह ने तमाम इंसानों के बारे में कहा कुछ लोगों के बारे में नहीं कि गोरी चमड़ी वाला या हैंडसम या पहलवान या फिल्म का हीरो अल्लाह ने उनके बारे में नहीं कहा अल्लाह ने सब के बारे में कहा लक़त खलक नल इंसान तकवीम। लेकिन होता ये कि हम में से कई लोगों को ये एक फ़िक्र होती है काश में थोड़ा गोरा होता काश में थोड़ा लंबा होता काश में थोड़ा दुबला होता हाँ और ये पूरी दुनिया में ऐसा होता है अमेरिका में एक वेट वॉचर्स क्लब है वेट वॉचर्स क्लब यानी आपका वजन वॉच करने वाली क्लब उसमें कम से कम तीन करोड़ लोग पूरी दुनिया से यूरोप अमेरिका से कम से कम तीन करोड़ लोग उसके मेंबर हैं और इसमें वजन कैसे कम करने का वही डिस्कशन होता है अब कितने लोगों का वजन कम होता है कि नहीं होता है ये पता नहीं लेकिन बस यही डिस्कशन होते रहता है लोग अपने लुक्स अपने साइज अपने शेप से सेटिस्फाइड नहीं है दे आर नॉट हैप्पी काश थोड़ा गोरा होता काश थोड़ा ये होता इसीलिए अब देखो फेयर एंड लवली है ना आजकल फेयर एंड लवली लड़कों के लिए भी आ गया पहले सिर्फ लड़कियाँ सोचती थी कि मैं गोरी रहूँगी तो अच्छी होगी अब तो लड़के भी सोचने लगे एक सर्वे हुआ तो उसमें भी पता चला कि 40 परसेंट फीमेल्स कॉस्मेटिक सर्जरी कराना चाहती है यू नो कॉस्मेटिक सर्जरी फेस चेंज नहीं करते नाक लंबा करो और कान थोड़ा सा ऐसा करो लिप्स थोड़े ऐसे करो इस तरह से इसको अल्लाह ने जो शक्ल बनाई है उसको और थोड़ा और ज़्यादा अच्छा बनाने को यानी अपने आप को अल्लाह से ज़्यादा अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं माज़ल्लाह इसको कॉस्मेटिक सर्जरी कहते हैं मजबूरी में एक्सीडेंट में किसी को कुछ हुआ है तो बात अलग है लेकिन ये सोचना कि अल्लाह ने मुझे खूबसूरत नहीं बनाया तो मैं खुद किसी डॉक्टर के पास अगर पाँच छः लाख रुपया खर्चा करके बन जाऊँ तो ये एक डिसटिस्फेक्शन होता है इसको नाशुक्री कह सकते हैं तो फोर्टी परसेंट सिस्टर्स दुनिया भर की औरतें ये चाहती है कि अगर मौका मिले या अपॉर्चुनिटी हो या फैसिलिटी हो तो हम कॉस्मेटिक सर्जरी करा लेंगे और ये तो ठीक है ट्वेंटी परसेंट मेल भी ट्वेंटी परसेंट मेल ये भी यही सोचते हैं कि हम भी थोड़ा सा कॉस्मेटिक सर्जरी करा के अपना वजन थोड़ा सा यानी थोड़ा दुबला पतला हैंडसम यानी आज मर्दों को भी वो अच्छा दिखने का शौक़ आ गया पहले औरतों को आता था और मर्दों को मर्दानगरी दिखाने का शौक़ आता था ही मैन मैकोमैन हाँ सुपर मैन सब इसलिए जिम में सब दिखते थे ना पहले अब क्या हो गया अब तो सब यही चाहते हैं कि हम हैंडसम दिखे खूबसूरत दिखे तो पैफैरन लवली और स्टीम बाथ सोना बाथ इसमें मर्द लोग भी नज़र आने लग गए तो पता चला कि एक बॉडी इमेज लोगों के अंदर बन रही है बॉडी इमेज कहते हैं कि अपने लुक्स के बारे में हम खुद क्या सोचते हैं मैं खुद अपने चेहरे के बारे में अपने शेप के बारे में अपने साइज़ के बारे में मेरा अपना बॉडी इंडेक्स क्या है मैं क्या सोचता हूँ एम आई हैविंग इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स या एम आई हैप्पी विद अल्लाह हैज़ मेड अफसोस की बात है कि अक्सर इंसानियत इसमें डिसटिस्फाई होती है लोग खुश नहीं हैं और इसका इन्फ्लुएंस है ऐसा नहीं कि पहले से ऐसा था पहले ऐसा नहीं था पहले क्या था कि लोग देखते थे कैरेक्टर तो लोग कैरेक्टर पसंद करते थे शादी के लिए भी कोई ये नहीं कहता था कि ख़ूबसूरत लड़की ढूंढो आज तो एवरीबडी हैज़ टू हैव ब्यूटीफुल गर्ल अगर ज़रा सा पचास हज़ार रुपये की सैलरी है तो मुझे ख़ूबसूरत लड़की से शादी करनी है ज़रा सा डॉक्टर बन गया तो ख़ूबसूरत लड़की से ही शादी करेंगे और आजकल कल लड़कियाँ भी ऐसे हो जाती है फिर ज़रा सी खूबसूरत है तो उसको भी हैंडसम चाहिए हाँ हाँ प्रैक्टिकल दाई चाहिए लेकिन हैंडसम होना चाहिए दाई चाहिए लेकिन इंग्लिश स्मार्ट होनी चाहिए दाई चाहिए लेकिन जिम में जाना चाहिए प्रैक्टिसिंग मुस्लिम होना चाहिए लेकिन जिम करना चाहिए तो ये सब चीज़ें आ गई ये लुक्स को हर चीज़ पर तरजीह दी जा रही है लुक्स को इतनी तरजीह दी जाती है कि अमेरिका और यूरोप में जो लड़कियां जॉब करती है इनकी वन थर्ड सैलरी अपनी ख़ूबसूरती को बरकरार रखने में खर्च हो जाते सैलरियाँ वन थर्ड सैलरी दस हज़ार रुपये की सैलरी होगी तीन साढ़े तीन हज़ार वो खाली कॉस्मेटिक और ब्यूटी पाउडर उसके बाद ड्रेसेस ब्रांडेड तब जाके और खूबसूरत दिखूंगी ऑफिस में गुड लुक्स एक करेंसी बन चुका है अगर आप हैंडसम हैं तो आपको जॉब अच्छी मिलेगी देखो ना एयर में जो रहते हैं जेंट्स एयरपोर्ट पे रहते हैं सेल्समैन रहते हैं आप देखो जो हैंडसम होते हैं उनको पहले चांस मिलता है ब्यूटी नाव हैज़ बिकम ए करेंसी पहले लड़कियों के लिए होता था खाली कि अगर खूबसूरत है तो मॉडलिंग में आ जाएगी एरोस्ट्रेस बन जाएगी अभी जेंट्स के लिए भी वही रूल आ गया ब्यूटी हैज़ बिकम अ करेंसी यानी अगर आप खूबसूरत है तो आपको दुनिया में तरक्की के चांसेस ज़्यादा है ऐसा कहा जाता है कितना है वो हम बाद में देख लेंगे लेकिन एक ऐसी हवा खड़ी की गई है कि अगर आप खूबसूरत है तो आपको दुनिया में अपॉर्चुनिटी ज़्यादा मिलेंगी और ये चीज़ें जो है ना हमारे दिमाग में बचपन से लगाई जाती है पता है आपको बचपन में जब फिल्में देखते थे मुझे पता नहीं कौन देखता है कौन नहीं देखता है लेकिन विलन हमेशा काला होता है मोटा होता है है ना और हीरो हमेशा गोरा होता है और हैंडसम होता है तो जब हम किसी गोरे आदमी को देखते तो हम सोचते ये हीरो ही होगा हालांकि कैरेक्टर उसका खराब होगा मल्टीपल अफेयर्स होंगे फाइनेंस में किसी को चीट या होगा और जब भी किसी काले को या शॉर्ट को या फिगरलेस आदमी को देखेंगे तो सोचे ये विलन ही है बेकार आदमी इसका कैरेक्टर अच्छा नहीं है आगे चल मालूम पड़ता है वो अच्छा था तजुर्बा जब होता है लोगों को हमारे एक रिश्तेदार के दो दामाद थे एक हैंडसम डायनामिक खूबसूरत हाँ हमारा दामाद है इनको ये इंट्रोडक्शन कराने के लिए बड़ी खुशी महसूस होती थी कि ये हमारे दामाद है हैंडसम दूसरे दामाद थोड़े शॉर्ट है ऐसे ठीक है भाई लिस्टा हो गया हो गया लेकिन इतने सोसाइटी में इनको प्रमोट नहीं करते थे कि यार लोग क्या बोलेंगे हमको ऐसा दामाद मिल गया लुक्स वॉज द करेंसी अब भाई साहब का पैरालिसिस हो गया ससुर को अब बिस्तर पर पड़े आमदनी खत्म अब वो साहब तो भाई इनके अपने इखरा जाते हैं मेरे पास तो इतना पैसा नहीं है मुझे तो ये वो अब इनके तरफ से कोई टाउन आता नहीं है लेकिन ये जो थे जो हैंडसम नहीं थे जो विलन जैसे दिख रहे थे इनके तरफ से इनके मंथली सैलरी में से ये अपना पैसा अपने फादर इन लॉ के खर्च में करने लगे तो मालूम ये हुआ कि लुक्स गुड लुक्स के पीछे हम इतना दौड़ते हैं इतना दौड़ते हैं कि हमने दूसरी क्वालिटीज़ को इग्नोर करना शुरू कर दिया तो ये बचपन से हम जब फिल्मों में देखते हैं ना कि हर काला आदमी ऐसा और हर गोरा आदमी ऐसा हर काली लड़की खूबसूरत ही लड़की हीरोइन बनती है और बिचारी होती है उसको बिचारी को लोग सताते हैं लोग रास्ते में बिचारी की छेड़ती करते हैं बिचारी बिचारी फ़ाइनली बहुत पैसे वाले से शादी करके खुश हो जाती है तो हर खूबसूरत लोगों को कुछ ना कुछ होता है एंड फाइनली दे लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर ये होती है हमारी बचपन से स्टोरी हाँ आप स्नो वाइट पढ़ते हो गए रेड रोज पढ़ते हो गए अब तो देखा होगा उसमें भी वही कहानियाँ होती हैं ज़रा सी खूबसूरत है प्रिंस राजकुमार उसे शादी करता है तो ये बचपन से हम जब ऐसी कहानियाँ पढ़ते हैं ना तो हमारा जहन ऐसा ही होता है कि फिर हमको भी गोरी ही लड़कियाँ चाहिए तो शादियों में लोग पसंद नहीं करते अब देखिए दुनिया में मेजॉरिटी लड़कियाँ और लड़के लुक्स में बिलो एवरेज होते हैं आपको पता है दे आर बिलो एवरेज एवरेज भी नहीं होते अक्सर दुनिया में अगर सर्वे करो तो दे आर ऑल बिलो एवरेज बट एवरी बडी फॉइंट्स एवरेज लंबी दुबली गोरी जॉब के लिए तो भी ऐसी लड़की चाहिए शादी के लिए तो भी ऐसी बहू चाहिए क्लास में दोस्ती करने के लिए ऐसी लड़की चाहिए ऑफिस में रिसेप्शनिस्ट ऐसी होनी चाहिए सेल्स लड़कियाँ ऐसी होनी चाहिए लड़का हैंडसम होना चाहिए तो हर जगह पर गुड लुक्स को इतनी अहमियत दी जा रही है के लोग कैरेक्टर को तर्क करने लगे हैं पीपल हैव स्टार्टेड इग्नोरिंग कैरेक्टर क्यों ऐसा होता है उससे पहले हम देखें कि हमारे इर्द गिर्द में जो सक्सेसफुल लोग हैं, जिनका सोसाइटी बनाने में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है इनमें बहुत कम लोग हैंडसम होते हैं अक्सर लोग बिलो एवरेज लुक्स होते हैं 1983 से पहले इंडिया का क्रिकेट के अंदर रिकॉर्ड बड़ा खराब रहता था इंडिया के पास फास्ट बॉलर ही नहीं था पता है आपको छठी ओवर से स्पिनर आ जाते थे प्रसन्ना चंद्रशेखर बेदी इंडिया के पास था ही नहीं फास्ट बॉलर्स। 83 तक इंडिया हारती थी मैच फिर कपिल देव आ गया आपने कपिल देव का देखा होगा फोटो ही डजन लुक हैंडसम लेकिन उसने इंडिया के लिए वो शोहरत हासिल की कि उससे पहले किसी कैप्टन ने नहीं की ही ब्रॉट द वर्ल्ड कप टू इंडिया अब वो काला असर का अगर वो कॉलेज में पढ़ता ऑफिस में पढ़ता सेल्स मैन की नौकरी के लिए अप्लाई करता तो उसको भगा देते बेचारे को लेकिन एक अचीवमेंट उसने किया तो उसमें कोई लुक्स की जरूरत थी क्या वर्ल्ड कप जीतने के लिए तो अल्लाह ने बनाया अब उसने मेहनत की अपने जिसम पे अपने स्पोर्ट्स पर अपने एथलेटिक्स पे तो वो चैम्पियन हो गए देखो मोहम्मद अली क्ले अफ्रीकन था वर्ल्ड का बेस्ट स्पोर्ट्समैन मोहम्मद अली क्ले और पेले पेले भी ब्लैक स्किन बड़े बड़े फुटबॉल प्लेयर और बड़े बॉक्सर दुनिया के आप देखो ओलंपिक्स अभी गया ना ओलंपिक्स में यूरोप अमेरिका में सबसे ज़्यादा मेडल्स लिए वो मेडल जीतने वाले सब काले हैं <laughs> गोरे बहुत कम है तो क्या हो गया देखो उनके कंट्री के लिए इन्होंने कितनी ग्लोरियाँ ला दी कितनी शहरत ला दी अपने मुल्क के लिए कि वो मुल्क के लिए हीरो हो गए उसके कंपेयर में वो खूबसूरत मॉडल लड़का हो या लड़की हो जब तक खूबसूरत है तब तक लोग पैसा देते हैं काम देते हैं जैसे चमड़ी पे झुरियाँ आ गई थोड़ा सा वज़न बढ़ गया पेट बढ़ गया या टकला हो गया या लड़की मोटी हो गई तो उसका काम चला गया दूसरी छोटी लड़की या छोटा लड़का आ गया असलम कोई याद भी नहीं करता मॉडल्स का नाम किसको याद होता है लेकिन पचास साल पहले के क्रिकेटर और फुटबॉल प्लेयर के नाम लोग आज भी याद करते हैं अचीवमेंट मैटर्स लोग अचीवमेंट इज्जत देखते हैं लेकिन उसके बावजूद भी एक शौक होता है गोरी चमड़ियों का खूबसूरत दिखने का गुड फिगर का हेल्थ अपनी अलग चीज है कि भैया फिट होना चाहिए मैं भी जिम करता हूं आप भी करते होंगे वो एक अलग बात है बात चल रही है ऑब्सेशन की दीवानापन गुड लुक्स स्मार्ट लुक्स इस दीवानेपन ने दुनिया की इकोनॉमी पे असर कर दिया दुनिया की इकनॉमी पर इसके असर पड़ेंगे कि मॉडल भी खूबसूरत होना चाहिए वरना आपकी कलम कोई खरीदेगा नहीं एक छोटी सी दस रुपए की पेन बेचने के लिए एक खूबसूरत मॉडल चाहिए मारिया शारापो टेनिस प्लेयर एक साल में जितनी भी अलग अलग टूर्नामेंट होती है टेनिस की वो सारी जीत जाना उसको ग्रैंड स्लैम कहते हैं मारिया शारा ग्रैंड स्लैम जीतने में जितना पैसा नहीं कमाती थी उससे ज़्यादा मॉडलिंग में कमाती थी अपनी खूबसूरती बेचकर तो खूबसूरती का दाम अचीवमेंट से ज्यादा है फिर भी दुनिया डिपेंडेंट है स्मार्ट अचीवर्स के नॉट स्मार्ट लुक्स की मैंने देखा एग्जाम्पल आपको तो बताया ना सब काले लोग हैं अच्छा आपके प्रोफेसर आप लोग नाइनटी नाइनटी टू परसेंट लेकर आए आपकी मैथ्स टीचर आपकी साइंस टीचर क्या खूबसूरत थी आप जब ट्यूशन टीचर ढूंढो भाई मुझे डॉक्टर बनना है इंजीनियर बनना है डैड मॉम कोई ब्यूटीफुल टीचर ढूंढना तो कोई हैंडसम सर ढूंढना ऐसा होता है क्या अरे पढ़ाने वाला अच्छा चाहिए मेरा करियर बनेगा यहाँ पे लुक्स को बाजू में बेच देते हैं क्योंकि वहाँ पे हमारा स्वार्थ सेल्फिशनेस ग्रीड रिक्वायरमेंट और नीड होती है इसलिए हम लोग उसको इग्नोर कर डालते भाई ज़रा सा वैसा लेकर आ रहा ना शरीफ पढ़ाने वाला अच्छा पढ़ाने वाला है कि नहीं बीमार पड़ते हैं तो कोई कहता है कोई हैंडसम डॉक्टर के पास ले चलो या ब्यूटीफुल डॉक्टर के पास ले चलो कैसे जाते चुपचाप जो भी मिला डॉक्टर साहब दर्द हो रहा है कुछ भी करो जल्दी करो ऑपरेशन करो दवाई दो कुछ भी करो लेकिन जान बचाओ वहाँ कोई नहीं देखता है तो जहाँ सोसाइटी की ज़रूरत होती है मालूम यह हुआ कि बहुत बड़ी वैकेंसी है खूबसूरत लोगों में भीड़ बहुत है हालांकि लोग कम है लेकिन उसका शोर ज़्यादा है और जहाँ पे कैरेक्टर अचीवमेंट्स हेल्प कंट्रीब्यूशन टू द सोसाइटी की ज़रूरत पेश आती है वहाँ पे आपको मिलेंगे एवरेज और बिलो एवरेज लुकिंग वाले लोग यही लोग हमको मिलेंगे वरना नहीं मिल सकते हैं आप नजर घुमाइए आपके ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं बुढ़ापे में भी ना दवाई ली मेरी मम्मी बीमार है बिस्तर पे है चार महीने से लेकिन बिस्तर पे पड़े पड़े कहती है डैडी की दवाई लेना डैडी का लंच निकालो डैडी के खाने में नमक कम डालो अब ये मोहब्बत क्या अभी तो खूबसूरती नहीं है डैडी के पास वो पैसे भी नहीं है डैडी वो स्मार्ट भी नहीं है अब तो लकड़ी लेकर चलते हैं फिर क्यों इसलिए कि यहाँ पे कैरेक्टर काम आया अभी मैं आपसे पूछूँ कि आपकी फेवरेट टीचर स्कूल में कौन सी होगी आप दस साल के टीचरों के चेहरे आपके सामने आएंगे आप फेवरेट टीचर किसको बोलोगे जिसका नेचर अच्छा था डांटती नहीं थी इंसल्ट नहीं करती थी है ना कोई भी ये नहीं बोलेगा कि वो खूबसूरत टीचर इसलिए मेरी फेवरेट है कोई नहीं कहता है तो हम क्या देखते हैं टीचरों में डॉक्टरों में जो हमारी ज़रूरत है वहाँ पे हम देखते हैं कि उनका हमारी ज़िंदगी में क्या कंट्रीब्यूशन है उस पर हम हमारे फेवरेट पसंद करते हैं फैमिली में भी अगर पूछेंगे आपकी इतनी बड़ी फैमिली है चलिए बताइए आपका फेवरेट कौन है तो आप ये नहीं देखेंगे सबसे खूबसूरत कौन है सबसे हैंडसम कौन है सबसे पैसे वाला कौन है सबसे स्मार्ट कौन है आप क्या देखोगे सबसे अच्छा काइंड कौन है अफेक्शनेट कौन है हेल्पफुल कौन है उस तरह से हम देखकर पसंद करते हैं हमारे रिलेटिव्स उसी तरीके से आपका फ्रेंड सर्कल देख लो कौन है ऐसा जो कहेगा कि मुझे हैंडसम लोगों के साथ ही दोस्ती करनी है या ब्यूटीफुल लोगों के साथ ही दोस्ती करनी है कोई ऐसा नहीं कहता फ्रेंड्स चूज़ करते हैं डॉक्टर चूज़ करते हैं रिलेटिव्स में किसी को पसंद करते हैं ये सारी चीज़ों में जब हम पसंद करते हैं तो रियलिटी देखते हैं खाली खूबसूरती वहीं चलती है जहां इमेज की बात आती है दुनिया में इमेज चलती है आजकल इसीलिए लोग डॉक्टर्स इंजीनियर्स बनने से ज़्यादा फिल्म स्टार्स बनना पसंद करते हैं टीवी सीरियल का ज़माना आ गया यूट्यूब का ज़माना आ गया तो हर एक ज़रा सा अबव एवरेज खूबसूरती है तो सीधा कैमरे के सामने खड़े होकर शुरू शुरू हो कर शूर 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 जाते हैं आप देखते हो लोग हर किस्म का आदमी टी पे आने लगा हर किस्म की लड़कियाँ थोड़ा सा खूबसूरत है तो टी वी आने लगती है तो एक लोगों ने अपनी खूबसूरती को बेचना शुरू कर दिया अब होता ये है कि उसके कम में दूसरों को कॉम्प्लेक्स आते हैं जिनके पास अल्लाह ने इतनी खूबसूरती नहीं दी है लेकिन अल्लाह ने कह दिया लकत खलक नल इंसान फ़िया सनी तकवीम हमने इंसान को ख़ूबसूरत ढांचे में बनाया तो अगर कोई कहता है कि अल्लाह ने मुझे ख़ूबसूरत नहीं बनाया वाट इज़ ही डूइंग बिंग अनग्रेटफुल वह अल्लाह का नाशुकर है और नाशुक्री तो इबलीस की अमामत थी अल्लाह ने फरमाया कि वो तो ना शुक्रा था तो पता चला कि अल्लाह ने जो दिया है यू हैव टू बी सेटिस्फाइड विद इट लेकिन होता है क्या है हमने बात सुन ली लेक्चर सुन लिया हमने कुरान पढ़ लिया नमाज़ पढ़ ली हमने अल्लाह को थैंक यू बोल दिया अल्लाह ठीक है चलता है जैसा भी है फिर कल हम शादी में जाएंगे किसी की हमारा कज़िन थोड़ा सा हमसे खूबसूरत होगा या हमसे खूबसूरत होगी अब कोई बोलेगा अरे ये कितनी ख़ूबसूरत लड़की है अरे कितना हैंडसम लड़का है आपके कज़िन को रिश्ता आएगा आपको रिश्ता नहीं आएगा क्यों वो ज़्यादा हैंडसम है ऐसा होता है अब आपको कॉम्प्लेक्स आने शुरू शाम को जब आप घर पर आए शीशे में देखा क्यों अल्लाह ने मुझे ऐसा बनाया मुझे नहीं पता आप लोग करते हुए नहीं करते लेकिन कॉमन ट्रेंड है होता है क्योंकि इंसान है हम लोग एक कंपैरिजन चल रही है पूरी दुनिया में ना इसलिए तो हमारे अंदर जो क्वालिटी थी जो हमारे खूबसूरत कज़िन से ज़्यादा अच्छी क्वालिटीज थी हमने उसको इग्नोर किया हमने उनको इग्नोर किया इसीलिए हमारे अंदर वो कॉम्प्लेक्स आ गया अगर हमने सोचा होता कि ठीक है ना जो खूबसूरती का चाहने वाला है वो खूबसूरत के पीछे जावे और जो अच्छा कैरेक्टर चाहेगा वो मेरे साथ आएगा अगर हमने ऐसा सोचा होता तो हमारा सेल्फ एस्टीम बढ़ता सेल्फ एस्टीम किसको कहते हैं अपनी इज्जत खुद करना पहले जब तक आप खुद अपनी इज्जत नहीं करोगे लोग आपकी इज्जत कैसे करेंगे सेल्फ एस्टीम मीन्स वॉट अल्लाह हैज़ गिवन यू यू हैव टू बी हैप्पी विद इट अल्लाह ना हमद अरे बहुत मोटा है तो क्या हो गया यार मोटा है तो क्या हो गया हमद तुम इतना पतला है यार तू क्या खाना नहीं खाता तो एक्सरे जैसा है वो एक्सरे जैसा है मैं बीच में पढ़ता हूँ अखबार में तो कभी कभी ऐसा आता है कुछ लड़कियाँ खाने पीने से डरती हैं एक लड़की ने अपने रेफ्रिजरेटर के ऊपर चिटका के रखा डोंट इंक्रीज योर कैलोरीज तो कहती है कि जब भी मुझे खाने का दिल होता है मलाई दही या कोई भी आइटम फ्रिज के ऊपर मैंने लिखा हुआ देते मैं पीछे हट जाती हूँ उस लड़की ने फ्रिज में से खाना खाना बंद कर दिया ताकि मेरा वज़न नहीं बढ़े मैंने कहा ना वेट वॉचर्स क्लब लाखों लड़कियाँ उसके मेम्बर्स हैं सभी लोग अपना वजन कम करने के चक्कर में रहते हैं जिसमें कभी कभी क्या होता है खाने से इतना खौफ पैदा हो जाता है कि एनोरेक्सिया जैसी बीमारी का शिकार हो जाते हैं आप गूगल पे जाकर टाइप करो स्टैटिस्टिक्स ऑफ एनोरेक्सिया हजारों लड़कियां एनोरेक्सिया का शिकार है दुबली पतली आजकल तो नया टर्म आ गया जीरो साइज अब जीरो साइज यानी स्केलेटन हड्डियां की तरह जिंदगी गुजारते हैं लोग खाना ही नहीं खाते ये सब वेस्टर्न कंट्रीज में होता है और पैसे वालों के वहाँ होता है वेस्टर्न कंट्रीज यानी यूरोप अमेरिका इंग्लैंड और हमारे बम्बई बेंगलोर दिल्ली जैसे पैसे वाले जो शहर रहते है हैं अब यदि इतफाक है दुनिया का एक बहुत बड़ा तबका अफ्रीका इंडिया और बहुत सारे मुल्क है जिसमें खाने के वाधे हैं राइट इनके पास खाना नहीं है यार खाना नहीं खाते लोग बच्चे मेल नूरिश्ड होते हैं ऐसे रहते हैं तो अपने फोटोज़ देखे होंगे बरसों बरसों तक बारिश नहीं आती है अफ्रीका के रीजन में और एक तरफ पैसे वाले हैं जिनके फ्रिज भरे हुए हैं हफ्ते तक का फ्रूट्स है ब्रेड बटर मलाई आइसक्रीम फ्रूट सब है लेकिन वज़न बढ़ जाएगा तो एक तरफ डाइटिंग है और एक तरफ भूख मरा है क्या कंपैरिजन है दुनिया का एक बड़ा तबका भूख मरा है उसको खाना नहीं मिलता और दूसरा तबका अपने आप को खुराक से दूर रखता है हालांकि उनके फ्रीज रेफ्रिजरेटर खुराक से भरे हुए रहते किंग साइज रेफ्रिजरेटर आजकल आते किंग साइज़ यानी एक महीने तक का खाना आप रख सकते हो चालीस लीटर दूध रख सकते हो पाँच किलो आइसक्रीम रख सकते हो और पच्चीस किलो गोश रख सकते हो बकरे का, मलाई बटर ये सारी चीजें इनके फ्रीजरों में होती है लेकिन वजन बढ़ जाएगा खा नहीं सकते हैं यार अब वो खा नहीं सकते हैं खाना है इनको खाना चाहिए खाना नहीं मिलता तो खाना खाता कौन है दुनिया में ये समझ में नहीं आ रहा है तो मालूम हो गया कि ये रॉन्ग कॉन्सेप्ट आने की वजह से ये जो गुड लुक्स का जो कॉन्सेप्ट रॉन्ग आ गया है ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम कड़ी कर रही है यानी हर शख्स अपनी उम्र को छोटी कर दिखाना चाहता है ए अंकल क्यों बोला भाई बोल अरे अंकल मैं पंद्रह बीस साल का आप पिछहत्तर साल के अंकल नहीं बोलूं आपको तो एक्चुअली मुझे ग्रैंडफादर बोलना चाहिए लेकिन कुछ लोग बहुत चिढ़ जाते हैं अगर आप उसे अंकल कहते तो अंकल क्यों बोलते हैं बुढ़्ढा दिखता हूं क्या अरे डाई करके आए हो अंकल आप तो मालूम यह हो गया कि कॉन्सेप्ट ऑफ लुक का ऑब्सेशन दीवानापन इतना जबरदस्त आ गया है लोगों के अंदर कि पीपल आर नॉट विलिंग टू ग्रो ओल्ड इसीलिए एंटी एज क्रीम आने लगी मार्केट में आपको पता है आपकी उम्र कम तो नहीं हो सकती है ना लेकिन आपकी उम्र छोटी दिखने की दवाइयां आने लगी अब क्रीम एंटी रिंकल क्रीम उस तरह से अलग अलग किस्म की दवाया आने लगी और लोग खरीदते हैं खरीदते आप देखोगे अगर कोई बुक शेल्फ में जाओगे ना बुक किताब की दुकान में आपको ज़्यादा किताबें मिलेगी किसकी आपको ज़्यादा किताबें मिलेगी हेल्थ हेल्थ केयर वेट वॉचिंग वेट रिडक्शन इनकी किताबें ज़्यादा मिलेगी आपको हालांकि एक किताब भी अगर काम अगर वजन कम आता तो दूसरी किताबों की ज़रूरत ही नहीं थी लेकिन किताबें खरीद कर भी लोग पढ़ते पढ़ते मोटे होते जाते तो ये एंटी एजिंग का ये क्रीम और सब स्टार्ट हो गया हाउ टू लुक यंगर आप गूगल में टाइप करो हाउ टू यू लुक यंगर तो आपको देर सारे नुस्खे आ जाएंगे देर सारी वेबसाइटें आ जाएगी ऐसे लोग अपनी दुकानें चला रहे हैं आपको उल्लू बनाने के लिए कि आप छोटे दिखोगे आप पैंतीस साल के हो तो आपको तीस साल का दिखना है आप बाईस साल के हो तो आपको अठारह साल का दिखना है हालांकि रियलिटी ये है कि एक बार आप अपनी माँ के कोख से बाहर आ गए आप दुनिया में तशरीफ़ लाए उसके बाद दुनिया की कोई ताकत आपकी उम्र को आपके एज को रोक नहीं सकती है हर सेकंड आप ग्रो होते हैं हर सेकंड आप अपनी मौत के करीब जाते हैं नथिंग कैन स्टॉप यू फ्रॉम ग्रोइंग ओल्ड कुछ भी कर लो डाई करके बाल काले कर दो और छोटे दिखो टीनेजरों के कपड़े पहनो अंकल लोग टीनेजरों के कपड़े पहन के घूमेंगे जीन्स पहन के घूमेंगे उससे नहीं दिख सकते हैं ना उम्र जाती है मलेकुल मौत को जब वक्त होता है उस वक्त ये नहीं कहेगा ये अभी भी छोटा दिखता है उसकी रूब आपने में कब्जे करूँगा आपका वक्त हो गया चलिए भाई अल्लाह ने बुलाया है दरवाज़ा ठोकेगा भी नहीं परमिशन भी नहीं लेगा कि अंदर आ सकता हूँ मैं ये फैक्टर्स कौन से हैं जो हमारे साइकोलॉजी पे असर करते हैं इसका डिस्कशन करेंगे लेकिन इन अगले एपिसोड में और तब तक अगर आपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बल मेहरबानी जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और ढेर सारे प्रोग्राम्स आपका इंतज़ार करते हैं अलहमदुल्ल इस एपिसोड को बनाने में हमारे एक दीनी भाई ने पूरा ताउन किया है इसे उनके और उनकी पूरी फैमिली के लिए सदकाए जारिया बनाए आमीन आप भी ऐसे वीडियो या सीरीज को स्पॉन्सर करने के लिए कॉल करें नाइन फाइव डबल एट डबल एट डबल एट टू सिक्स पर ऐसे ही और वीडियोस बनाने में हमारी मदद करें